सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम जितेन और आप देख रहे हैं जितेन टेक। मैं आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूं जो कि H81 मदरबोर्ड के साथ सभी कंप्यूटर के पार्ट्स लगाकर मैं कंप्यूटर बिल्ड करने जा रहा हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और कौन सा पार्ट्स कहां लग रहा है आप जान पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप इसमें देख सकते हैं, ये है कंसिस्टेंट का H81 मदरबोर्ड जो कि DDR3 है। इसके साथ हम i3 4th जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो कि मैं आपको सभी पार्ट्स दिखाकर कैसे लगाते हैं मैं आपको बारीकी से सब कुछ दिखा दूंगा। आप इसमें देख सकते हैं ये है थी और वारंटी भी दे चुका है जो कि इस पे विंडोज 10 का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा। कंसिस्टेंट का H81 मदरबोर्ड जो कि आपको इसमें बारीकी से देख सकते हैं। फिर आप इसमें देख सकते हैं ये है 1 TB का हार्ड डिस्क जो कि डाइची कंपनी का हार्ड डिस्क है। ये बहुत अच्छा हार्ड डिस्क है जो कि ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे काम करता है। ये 2 ईयर का वारंटी भी दे चुका है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये डाइची कंपनी का हार्ड डिस्क जो कि 20% फास्टेस्ट 100 ड्यूरेबल हार्ड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप का है। ये 3.5 इंच का इंटरनल हार्ड डिस्क है। ये डाइची कंपनी का हार्ड डिस्क बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसको DDR3 पे मदरबोर्ड पे लगा दूंगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे है ये है SMPS जो कि इसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। ये एक्सेस कंपनी का है जो कि मैं मदरबोर्ड H81 पे लगाने वाला हूँ। इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैं बारीकी से आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और कौन सा पार्ट्स कैसा लग रहा है आप जान पाएंगे। ये XP500 का है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें पावर कनेक्टर कैसे लगता है मैं आपको बारीकी से सब कुछ दिखा दूंगा। इसको अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा दूंगा, आप पहले इसको बारीकी से अच्छे से देखें। इसको आप देख सकते हैं ये है i3 4th जनरेशन जो कि हम मदरबोर्ड H81 मदरबोर्ड पे लगा देंगे। इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे कराया जाता है मैं आपको बारीकी से सब कुछ दिखाने वाला हूँ। इसको कंप्यूटर के ब्रेन कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं ये है जेब्रोनिक का CPU फैन जो कि CPU के ऊपर लगा जाता है। CPU ज़्यादा गर्म ना होने पर और ज़्यादा हीट ना होने पर हम उसके ऊपर लगा देते हैं। इसके ऊपर एक थिनर पेस्ट लगा देते हैं जो कि ज़्यादा हीट ना होने पर इसको ठंडा रखता है। CPU को ठंडा रखने पर ये CPU फैन लगा जाता है। ये है CPU कूलिंग फैन जो कि आप इसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, ये है RGB लाइट जो कि हम कैबिनेट के अंदर लगाते हैं। इसको शो करने पर और ज़्यादा स्टेल करने पर इसको हम लगा देते हैं। ये है RZ121 जो कि रेंज कंपनी का है। ये RGB लाइट है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें RGB लाइट लगा हुआ है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। कौन सा पार्ट्स कितना प्राइस पड़ रहा है मैं आपको बारीकी से सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं ये है HP कंपनी का माउस जो कि इसमें आप देख सकते हैं M10 वर्ड माउस है। इसका प्राइस पड़ रहा है ओनली 300 रुपये जो कि ये है ओरिजिनल HP कंपनी का वर्ड माउस है। नेक्स्ट पे देख सकते हैं आप ये है SSD जो कि हार्वेस्ट कंपनी का है, 128 GB का SSD है। इसमें आप देख सकते हैं ये है SSD जो कि 10x faster SSD है। इसको लगाने पर प्रोसेसर स्पीड होता है और ज़्यादा फास्ट होने पर इसको लगा जाता है। ये हार्वेस्ट कंपनी के शॉक इम्पैक्ट रेजिस्टेंट अल्ट्रा लो पावर फोन है।
ऑप्टिमल डाटा फ्लो है, लॉन्ग डाटा रिटेंशन है, हाई परफॉर्मेंस है। इसका प्राइस पड़ रहा है ओनली 2000 रुपये, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर मेरे शॉप पे खरीदना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करो, मेरा ईमेल है justjitan4u। दोनों को आप देख सकते हैं, ये है वाईफाई अडॉप्टर एंड ब्लूटूथ अडॉप्टर, जो कि रेंज कंपनी का है। इसको हम कहाँ लगाते हैं मैं बारीकी से सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं, ये है कीबोर्ड जो कि एक्सेस कंपनी का है। इसका प्राइस पड़ रहा है ओनली 300 रुपये। इसका 12 मंथ का वारंटी भी है, जो कि 1 ईयर का वारंटी है। इसमें सभी कुछ दिया हुआ है। कैसे इसको चलाते हैं मैं आपको बारीकी से दिखा देता हूँ। ये मेड इन इंडिया है। ये वर्ड वाला है, जो कि मैं डायरेक्ट कंप्यूटर पर लगा कर आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, ये है पावर सप्लाई केबल एंड ये है HDMI केबल, जो कि हम कंप्यूटर के साथ लगाकर कैबिनेट पे लगाकर उसको कनेक्ट करते हैं। दोनों को आप बारीकी से देख सकते हैं। इसको मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, ये है कोकोनट, जो कि वुडन USB स्पीकर है। इस पर आप देख सकते हैं, ये सुपर बास दे रहा है, जो कि मैं कंप्यूटर में लगाकर इसको साउंड देने वाला हूँ। ये वुड कंपनी का, जो कि ये वुड कंपनी का सुपर बास है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये है कोकोनट, जो कि सुपर बास है, देखने में बहुत मजबूत और बहुत हाई परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट में देख सकते हैं, ये है माउस पैड, जो कि मैं आपको बारीकी से सब कुछ दिखा दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कंप्यूटर के पार्ट सभी को एक एक बार दिखाकर मैं आपको कैसे बिल करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दिखा दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे और मेरे चैनल पे जाकर सभी वीडियो के एक एक बार सपोर्ट करते और ऐसे प्यार देते रहे। चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय।